वॉचिंग स्टार 9 न्यूज। शगुफा का ऐसा मुस्कुराता चेहरा अब कभी नजर नहीं आएगा। उसका एक साल का बच्चा है। बच्चे का 22 अगस्त को जन्मदिन है, लेकिन उसे जन्म देने वाली माँ ही अब इस दुनिया में नहीं रही। शगुफा ने अपने ससुराल वालों के अत्याचार से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, 2 साल पहले शगुफा ने मंसूर अहमद से प्रेम विवाह किया था। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। वहीं दोनों में प्रेम हुआ और उन्होंने 2 साल पहले शादी कर ली। उनका जीवन एकदम खुशहाल था। 1 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन ननद की शादी के लिए ससुराल वालों के कहने पर लिए कर्ज ने शगुफा की पूरी जिंदगी को बदल दी। आपको बता दें, शगुफा ने इस शादी के लिए 4.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था, जिसकी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं होने पर रोज घर में झगड़े होते थे और उल्टा शगुफा को ही प्रताड़ित किया जाता था। रोज रोज के अत्याचार से परेशान होकर शगुफा ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और 22 अगस्त को शगुफा के बेटे का पहला जन्मदिन है, लेकिन आज उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। शगुफा के ससुराल मुंबई के वड़ाला इलाके में है और अभी सायन अस्पताल में शगुफा का पोस्टमार्टम किया गया और इसके साथ ही वड़ाला केटी पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो शगुफा मंजूर कादर जी, इन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। शगुफा का कादर जी की मां ने शगुफा के पति और उनके 4 रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। धारा 306(34) के तहत हमने मामला दर्ज किया है और उसका इंक्वायरी चल रहा है। आपने पुलिस को क्या बताया? यही बताया कि उसकी बेटी कभी खुदकुशी नहीं कर सकती है, उसका मर्डर हुआ है, मारा गया है।